चैनल द फुल टॉस पे आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएसएस 25 ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के बुक से। तो आज हम लोग एसएसएस 25 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें क्वेश्चन क्या करना है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। पहले तो इसका हम डायरेक्शन देखेंगे, लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें बॉक्स बनाया गया है जिसमें बॉक्स में वर्ड है और उस वर्ड को देख कर आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कहता है, पीक आउट द नाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स। मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर लिखना है, फिर फेमिनिन लिखना है, फिर कॉमन जेंडर लिखना है, फिर न्यूट्रल जेंडर लिखना है। तो हम लोग सारा एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम चलते हैं मैस्कुलिन जेंडर पे। किंग, अब किंग क्या कह रहा है, किंग मतलब क्या होता है, किंग मतलब राजा होता है। और अब आप लोगों को तो पता है कि राजा क्या है, पुलिंग है। और जब पुलिंग है तो हमेशा क्या होगा, मैस्कुलिन होगा, पुलिंग का इंग्लिश होता है मैस्कुलिन। और डॉग है, डॉग क्या होता है, पुलिंग होगा, मैस्कुलिन होगा। डॉग क्या होगा, मैस्कुलिन। और जो बीच है ना वो फेमिनिन होगा। डॉग का जो मैस्कुलिन होता है वो होता है बीच। और पोएट, पोएट क्या होगा, कवि। और कवि क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि फेमिनिन जेंडर में कवित्री होता है, इसीलिए पोएट क्या होगा, मैस्कुलिन। प्रिंस मतलब भी होता है एक राजा, नहीं राजकुमार। तो राजकुमार क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर। मास्टर एक तरह से इसको मालिक कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, मैस्कुलिन होगा। और जीव भी मैस्कुलिन होगा, ऑथर भी मैस्कुलिन होगा, लैंडलॉर्ड ये भी मैस्कुलिन होगा, चेयरमैन, चेयरमैन। आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, चेयरमैन आ रहा है। और मैन क्या होता है, पुलिंग होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। और वही जब वुमेन आपको देगा तो क्या होगा, फेमिनिन जेंडर होगा। यहाँ पर वुमेन है सर कहीं पर, मतलब हाँ यहाँ पर वुमेन है, क्या है, फेमिनिन। तो यहाँ पर जब मैन है तो मैन होता है मैस्कुलिन, उसमें चेयर जोड़ देंगे तो चेयरमैन हो जाएगा। तो चेयरमैन क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। स्टेशन, स्टेशन क्या होगा, मैस्कुलिन होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लास्ट वाला देखिए ना, सन, सन मतलब बेटा, बेटा होता है पुलिंग, पुलिंग मतलब मैस्कुलिन, इसलिए स्टेशन क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन। वाशरमैन को आप एक तरह से धोबी बोल सकते हैं, इसलिए वाशरमैन क्या होगा आपका, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। और उसके बाद है प्राइस्ट, प्राइस्ट भी क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। हीरो तो आपको देखिएगा पता चला होगा कि हीरो, हीरो क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर में। और हीरोइन क्या होगा, फेमिनिन जेंडर में। अब आते हैं फेमिनिन जेंडर में, काउ, काउ क्या है, फेमिनिन है। और उसके बाद बीच, बीच डॉग का मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर होता है, बीच क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। क्वीन मतलब क्या होता है, रानी। और रानी क्या होगा, फेमिनिन जेंडर, रानी फेमिनिन जेंडर। और हेन जो है ना वो होगा फेमिनिन, कॉक क्या होगा, मैस्कुलिन, हॉस्टेस होगा फेमिनिन। और प्रिंसेस जो है ना, राजकुमारी, राजकुमारी क्या होगा, फेमिनिन जेंडर। मिस्ट्रेस मतलब कि एक तरह से मालकिनी, क्या होगा, फेमिनिन में। गॉडेस फेमिनिन, टाइग्रेस फेमिनिन, लायनेस, शेरनी, शेरनी तो हमेशा फेमिनिन है। देखिए उसके बाद क्या है, सी गोट। और सी गोट को आपको सिंपली देखना है कि सी आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, सी। और सी क्या होता है, फेमिनिन। सी से आपको पता चलता है सी लड़की के लिए यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये लेडीज के लिए यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर में आएगा, सी गोट फेमिनिन। मदर टू माँ, माँ क्या है, फेमिनिन, इसलिए फेमिनिन जेंडर में। वुमेन फेमिनिन जेंडर, वुमेन मतलब होता ही है। और हीरोइन क्या होगा, फेमिनिन जेंडर, गर्ल फेमिनिन। आंट, आंट फेमिनिन, आंट मतलब चाची। और चाची क्या होगा, फेमिनिन जेंडर होगा, मैस्कुलिन नहीं होगा। कॉमन जेंडर में आते हैं, जो टीचर होगा ना, टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब कि मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं, इसलिए टीचर कॉमन है। डॉक्टर भी दोनों हो सकते हैं। और ड्राइवर, ड्राइवर लेडीज भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। इनेमी, इनेमी मतलब होता है दुश्मन। और दुश्मन लड़की भी हो सकते हैं और लड़का भी हो सकते हैं, मतलब कि लेडीज और जेंट्स दोनों हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, फ्रेंड गर्ल्स के भी फ्रेंड होते हैं, बॉयज के भी फ्रेंड होते हैं, मतलब कि लेडीज और जेंट्स दोनों होते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कॉमन। और चाइल्ड, बच्चा कॉमन जेंडर में आता है। थीप, जो कोई भी हो सकता है, मैस्कुलिन फेमिनिन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों। आप क्लास में गए, किसी को बोले कि एक स्टूडेंट मेरे साथ हो, तो कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, मेल या फीमेल। आगे पैरेंट, पैरेंट मतलब माता पिता, माता पिता कॉमन होगा, क्योंकि माता और पिता दो आ रहा है इसमें, कॉमन जेंडर होगा। बर्ड, बर्ड होगा कॉमन जेंडर, क्योंकि बर्ड मतलब होता है पक्षी, पक्षी का नाम थोड़ी लिया है यहाँ पर,
वर्ड में ढेर सारे वर्ड होते हैं, इसीलिए राइटर जो है ना कॉमा जरूर होगा, क्योंकि राइटर मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। बेबी कॉमन जेंडर, बच्चा। क्लर्क कॉमन जेंडर, एलिफेंट कॉमन जेंडर, कजन कॉमन जेंडर, कजन दोनों हो सकते हैं। नेबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी पड़ोसी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए इसको कॉमन जेंडर में लिखा गया। और न्यूट्रल जेंडर में अब आते हैं। स्टोन क्या है? एक वस्तु है, ईट। ईट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का डेफिनेशन होता है ना, तो वो मतलब कि ना तो नर जाति है ना मादा जाति, मतलब दोनों में से किसी में से ना हो, मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों में से किसी में से ना हो, तो वो होगा न्यूट्रल जेंडर। और उसके बाद है विंडो। विंडो क्या है? आपका न्यूट्रल जेंडर है। टी न्यूट्रल जेंडर, क्लास न्यूट्रल जेंडर, ऑनेस्टी न्यूट्रल जेंडर, ये मेल फीमेल और कॉमन नहीं है। मिल्क भी आपको होगा न्यूट्रल जेंडर। क्रो और आंट एंड ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि न्यूट्रल जेंडर में नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि नर और मादा जाति का होता है, नहीं होता है तब होता है। जेंडर चैप्टर 11 चैप्टर खोलकर पेज नंबर 67 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर का डेफिनेशन है। न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है ना मादा जाति का। द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर अ मेल नॉर फीमेल। उसके एग्जाम्पल दिया जाता है हर एक डेफिनेशन के नीचे, जिस एग्जाम्पल में है वुड ओयर क्रो और एंड, आपके बुक में ही दिया गया है, इसीलिए हम इसे न्यूट्रल जेंडर में लिखे हैं। चलिए आगे। ट्री, ट्री क्या होता है? पेड़, पेड़ क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। स्कूल भी हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर, और टेबल भी हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। टेबल ना तो मेल मेल ना फीमेल और ना कॉमन, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। टेबल आपका हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। तो ऐसे ही करके हमारा एक्सरसाइज 24 समाप्त हो गया। इसका सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और इस एक्सरसाइज से आपको कहीं भी कुछ मन में प्रश्न आए होंगे या फिर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के बुक से एक्सरसाइज 1-2 एक्सरसाइज 25 से कहीं भी आपको मन में कुछ मतलब कि प्रश्न आए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू गाइस, बाय।